हाँ भैया, इसके बारे में बताओ, इसकी डिटेल क्या है क्या नहीं? इसका नाम है बाबर। बाबर ये पूना शो में फोर्थ नंबर पे आया था, मतलब पूना शो में, मारवाड़ी शो में। मारवाड़ी कौन सी ईयर में? 15 के टाइम पे, 15 या 16 के टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी क्या लाइन क्या है? ये है अली बाबा का बेटा है। अच्छा, देव दरबार लाइन का। देव दरबार, हाँ बराबर। और क्या हाइट है इसकी अभी? इसकी 62 है। और उम्र? उम्र होगा 6 साल का होगा। 6 साल, 6-7 साल का होगा। स्टेलियन में है ना अभी? हाँ, स्टेलियन। अच्छा, तो इसकी क्या अभी आप कवरिंग चालू कर दी ना? हाँ, कवरिंग चालू कर दी है, ये पहला उसका रिजल्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सेम उस पर ही है बिल्कुल। तो ये घर की घोड़ी का बच्चा है क्या? घर की घोड़ी का बच्चा है, एक ब्लैक घोड़ी है। हाँ हाँ, उस पर मतलब, हाँ हाँ, किया तो ये। इसका भी कलर काफ़ी यूनिक है, अलग है। इसको चेस्टनट भी बोल सकते हैं या फिर महुआ भी है, लेकिन महुए से थोड़ा डार्क है ये, काफ़ी यूनिक कलर है। ये पूरा डार्क कलर हो जाता है, पर अभी कैसा ये बारिश के टाइम? हाँ हाँ, बारिश में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है हर इसमें, बराबर है। तो ये कलर है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, पूरा डार्क कलर है, कलर का हो जाता है। बराबर बराबर। तो ये अपने पास में कितने साल से है अभी? ये बच्चा लाया था सर अपने। अच्छा अच्छा, कहाँ से लिया था फिर ये? अहमदाबाद से लिया था। अहमदाबाद से, हाँ बराबर। काफ़ी यूनिक है, बढ़िया है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है। और जो आपके पास में मैंने देखा कि जितने भी घोड़े हैं ये प्रॉपर जो मारवाड़ के जो हाइट है 62-63, वही हाइट के, ज़्यादा भी 63 के ऊपर अगर हो जाते 64-65 तो उसमें थोरो मिक्स हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर मारवाड़ी। और इसके मारवाड़ी का एटीट्यूड भी तुरंत समझ में आ जाता है, खड़ा रहने की स्टाइल है या कान के जो चलने का स्टाइल भी बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने थोड़ी सी चाल देखी इसकी भी। अभी राइडिंग वगैरह करते हो ना आप? हाँ, राइडिंग का चालू है। बराबर। और कितने घोड़े अभी आपने ये फार्म में? ये फार्म में पूरे 5 घोड़े, एक मुगरा है, एक ब्लैक घोड़ी है, और अभी जो जिसका इंटरव्यू किया अपन ने, हाँ वो गंगा पाठ हिरण्या, हाँ, और एक
ये बच्चा है क्या? बराबर, तो इसकी कवरिंग आप सिर्फ मतलब अपने घर की घोड़िया भरते हो या बाहर की भी करते हो? बाहर की भी भरते हैं। अच्छा, तो क्या फीस वगैरह लेके रखी आपने? 15,000-20,000। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप सिर्फ लाइन की भरते हो, अननोन की भी भरते हो? अच्छा, तो इसका पहला, ये जो बच्चा है ये पहला रिजल्ट है? पहला बच्चा है, और घर की घोड़ी की वो अननोन है। हाँ हाँ हाँ, वो सिंधी कान की है। अच्छा अच्छा, वो सिंधी कान की है, फिर भी वो सब बच्चे डालती है तो कान वाले, कान वाले, यानी प्रॉपर ये बाप पे ही छोड़ा है, रिजल्ट पूरा बाप पर आया है इसका। बढ़िया है, तिलक भी अच्छा है इसका, पूरा ब्लेज अच्छा है, और इसकी लाइन काफी अच्छी है। आप देवदरबार लाइन, बहुत कम घोड़े हैं देवदरबार लाइन के अभी। और क्या विशेषता है इसकी? बस उसकी सुंदरता, सुंदरता तो बहुत है। इसकी भी नेक प्रोफाइल काफी ब्रॉड है, तो ये नेक प्रॉपर ऐसा मतलब मैं मतलब एक व्यूअर्स के नाते पूछता हूँ, जैसा मैं एक व्यूअर्स भाई वो हिसाब से आपको भी पूछता हूँ, नेक बनती है या बनानी पड़ती है? ऐसे बनानी बोले तो उसके लिए प्रॉपर जो खाने का ये होता है, सेटअप होता है। हाँ हाँ, बराबर करना पड़ता है, यानी ठान ठीक से ऊंचाई पे चाहिए, और घोड़ा नीचे जब डालते अपन खाने को। हाँ हाँ, और घोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो नीचे ही मुंडी करके चलता है। बराबर बराबर, ऊपर ऐसा मतलब जो घोड़े को ये हाइट में खाने को डाले ना। हाँ हाँ, तो हमेशा वो ऊपर ही गर्दन रखेंगे? नहीं, हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आकड़ के भी चलता है। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया है। और गरीब इतना है कि छोटे बच्चे को राइड कराने दे। अच्छा, लेकिन एटीट्यूड से तो वो बहुत, मुझे भी लग रहा था कि यार इसके नजदीक जाएंगे बाद ऐसा लगता है कि शैतान ही कोई। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, तो इसकी कवरिंग के लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप ही से बात करेंगे या यहाँ के जो ओनर है? हाँ हाँ, हजर हाजी करके उनसे कॉन्टेक्ट करना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, उन आपसे आपका ही नंबर डाल दूंगा। हाँ, क्योंकि आप घोड़े पे केयरटेकर हो। हाँ, तो उनसे बात करने से अच्छा आपसे बात हो जाएंगी। हाँ, तो आप उनसे परमिशन मांगो। चलो भैया ठीक है, थैंक यू।